हेलो फ्रेंड्स, जेके आर्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि मैं लगाने वाली हूँ आज धनिया और मेथी, वो भी इस प्लास्टिक के बैग में। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि ऐसे प्लास्टिक का बैग आप घर पर फ्री में कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं और वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ज़रूर देखें और घर पर इस तरह से तैयार करके आप भी अपने घर पर आसानी से धनिया और मेथी लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं धनिया और मेथी को लगाने के लिए। तो ये धनिया जो है मैंने लिया है अपने किचन से ही, इसके लिए मैं मार्केट से अलग से धनिया खरीदने नहीं गई हूँ। और ये धनिया मैंने साबित लिया है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और इसी तरह मैंने ले लिया है थोड़ी सी मेथी, जी हाँ, इसकी भी जो हम आलू के साथ में भुजिया बनाते हैं इसके पत्तों की, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें घर पर उगाने वाली हूँ। इसके लिए मैं पारंपरिक मेथड है वो फॉलो करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो आपको हमेशा मिलती रहे। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तभी भी मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको क्या करना है, साबित जो धनिया है उसको दो भाग में हमें तोड़ लेना है। धनिया को कभी भी साबित नहीं उगाया जाता है, इसके लिए आप धनिया को किसी भारी पत्थर से, या फिर ऐसे छोटा सा पत्थर देख पा रहे हैं उससे दबा करके दो पीस में धनिया को आप कर लेंगे। ध्यान रहे कि धनिया जो है वो ज़्यादा एकदम बारीक ना हो जाए, और साबित धनिया तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो उगता ही नहीं है और उगेगा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसीलिए आपको इसके दो पीस इस तरह से हल्के हाथों से दबा करके उसके कर लेने हैं। तो आप देख पा रहे हैं वीडियो में, मैं आपको अच्छे से दिखा भी देती हूँ पास से। ये देख लीजिए, इसके सभी दो भाग हो चुके हैं। इस तरीके से ही आपको धनिया के बीज तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से जो भी थोड़े बहुत रह जाते हैं साबित धनिया, उसको भी हम दबा के आसानी से दो पीस कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे धनिया के बीज तैयार हो गए हैं। तो चलिए, बीज हमारे तैयार हो चुके हैं, अब लगाते हैं हम धनिया को। आप देख सकते हैं ये ग्रो बैग है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि इसको तैयार कैसे करना है। और इसके लिए धनिया के लिए मिट्टी जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, जैसे ज़्यादा सूखी नहीं, एकदम थोड़ी सी भुरभुरी होनी चाहिए जिसमें गीलापन ना हो, नहीं तो बीज जल्दी सड़ने लग जाता है। और हम बाद में हल्के हाथों से ऊपर पानी स्प्रिंकल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की मिट्टी आपको तैयार रखनी है, और धनिया के थोड़े थोड़े बीज लेकर के हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देना है। आप देख पा रहे हैं मेरे पापा ये बीज लगा रहे हैं इसमें, और इसमें पर्याप्त गैप भी रखा है, ताकि बाद में जब हम इसकी गुड़ाई करेंगे, इसकी देखभाल करनी होगी पौधे की, तो वो भी अच्छे से हो जाएगी और जो एक पौधा है धनिया का वो भी अच्छे से ग्रो होगा। धनिया में जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खिल करके आएंगे, इसीलिए कुछ दूरी पर गैप करते हुए लगाना है। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से धनिया ग्रो हो जाता है। तो धनिया के पौधे को जितनी मिट्टी उगने के लिए चाहिए होती है उतनी मिट्टी हमने इसमें ली हुई है। तो देख सकते हैं आप, इसमें लगा चुके हैं हम धनिया, और ये जब बढ़ जाएगा इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसीलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जी हाँ, वो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, इसी मेथड को फॉलो करते हुए अभी मौसम है तो आप धनिया घर में ज़रूर लगा लेना। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग धनिया को पहले पानी में भिगो भी देते हैं, तो उस तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें वो सड़ जाता है धनिया। तो मैंने पहले से ही उसको भिगोया नहीं है, मैंने सीधे सूखा धनिया लिया है और उसको डाल दिया है। 5-6 दिनों में ही धनिया उग जाएगा, इसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब लगाते हैं इसमें हम मेथी। जी हाँ, इसके लिए मैंने दो बैग तैयार किए हैं, पापा ने दोनों बैग में लगाए हैं। इसे हम लगाएंगे स्प्रिंकल करके, जी हाँ, चारों तरफ से छींट करके लगाएंगे, और बाद में हम इसे मिट्टी से कवर कर देंगे। मेथी ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे दो बैग यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है पापा ने, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के हम उसे कवर कर देंगे, जी हाँ, दोनों में ही। और मैंने यहाँ पे मेथी जो है बिना केमिकल वाली, कुछ लोग बताते हैं कि आप इसमें केमिकल मिला करके ये पेस्टिसाइड या ये केमिकल डाल के ग्रो कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिंपल भी आराम से लग जाती है, इसमें कोई फफूंदी भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें हमने गोबर की खाद भी डाली है और हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालने वाले हैं।
कुछ दिन तक हम इसे छाया में रखेंगे ताकि जिससे कि इसमें सुबह सुबह की ही धूप आए। तो हमने मेथी और धनिया दोनों को ही बिना फुलाए ऐसे ही यूज किया है। मैंने सिंपल किचन से उठाया धनिया और मेथी और उसे यहाँ पर ला करके स्प्रिंकल कर दिया है। इसमें कोई केमिकल डाल के नहीं रखा, इसे काफ़ी देर तक पानी में डालकर भी हमने इसमें नहीं रखा है और आसानी से ये उग भी जाएगा। इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ में आगे शेयर ज़रूर करूँगी, तो इसीलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आगे मैं जब भी ऐसे ही किचन गार्डन से रिलेटेड वीडियोस डालूँ तो वो आपको मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरह से आपको लगाने के बाद कवर कर देना है। अभी आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप 5-6 दिनों के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़े दिनों में ये पौधे इसमें से निकलने लग जाएंगे। धनिया थोड़ा सा टाइम ले सकता है 5-6 दिन का, लेकिन मेथी जो है 2-3 दिन में ही उग जाती है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा पानी इतना ही हाथों से स्प्रिंकल करते हुए डालना है जिससे कि सीड जो है वो ग्रो हो सकें। ये दोनों मेथी के बैग हैं तो हम इन दोनों में ही डाल देते हैं, और ये वाला बैग है धनिए का, इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। इसी तरह आपको छोड़ देना है। अब जब सुबह की धूप आती है तो इन पौधों को सिर्फ सुबह की धूप मिले, बाकी तेज़ धूप में आप इन्हें ना रखें, नहीं तो ये मुरझाने लग जाएंगे और बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो इसे कोशिश कीजिए कि आप इसे छाया में ही रखें। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो डेफिनेटली 100% श्योर आपके जो मेथी और धनिया हैं वो आराम से उगेंगे और आपको घर पर ही ये पौधे आसानी से मिल जाएंगे, आपको बाज़ार में जाने की या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने धनिया लगाया या नहीं लगाया। देख लीजिए आपके सामने मैंने लगाया है, कोई ज़्यादा प्रोसेस फॉलो नहीं की है, मिट्टी भी मैंने नॉर्मल ली है, इसमें सिर्फ गोबर की खाद मिलाई है। तो फ्रेंड्स वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।